दुर्ग शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने होली से पूर्व अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुर्ग पुलिस प्रतिबद्ध है। इसके तहत निगरानी शुदा बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोग भी सावधानी पूर्वक होली का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाएं। आगामी होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस ने अपनी कवायद जारी शुरू कर दिया है। इसमें प्रमुख रूप से चौक चौराहों में हम नाकेबंदी और चेकिंग पॉइंट के माध्यम से अपराधी तत्वों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में जितने भी गुंडे बदमाश और अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी है। जितने पुराने चाकूबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगभग 4 दर्जन से अधिक गुंडे बदमाश और चाकूबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और रात्रि में हमारे द्वारा लगातार कॉम्बिंग कस्ट भी की जा रही है। लोगों से यही अपील रहेगी कि होली का पर्व जो है खुशी और आपसी भाईचारा का है और अति उत्साह में चीज़ों को अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश उनको नहीं करनी चाहिए।